दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MIS पोर्टल पे जो DDO डिक्लेरेशन अपलोड करनी होती है वो कैसे करते हैं। तो हर मंथ के एंड में आपको जो भी DDO है एक डिक्लेरेशन अपलोड करता है MIS पोर्टल पे। तो वो कैसे करता है, उसके लिए जाते हैं सीधा एम्प्लॉई एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद यहाँ नीचे DDO डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ DDO डिक्लेरेशन पे क्लिक करने से पहले असाइन DDO कर लें। असाइन DDO, जो भी आपका DDO अगर चेंज हो चुका है DDO, तो असाइन DDO पे जाएंगे। तो अगर पहले से ही है, तो पहले वाला ही DDO है, तो उसको रहने दें। अगर नहीं है, नया एम्प्लॉई आया, तो उसकी एम्प्लॉई ID को सर्च करके उसको अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, DDO डिक्लेरेशन सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आएगा आपके पास एम्प्लॉई एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वहां पे जा करके आपको DDO की ID, एम्प्लॉई ID डालना है यहाँ पे। उसके बाद DDO का नेम डालना है, डिक्लेरेशन डेट में आप उस मंथ की, जिस मंथ की आप अपलोड करना चाहते हैं वो मंथ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो डेट सेलेक्ट करने के बाद किस डेट में आप DDO डिक्लेरेशन डाल रहे हैं वो लॉक रहेगी, तो आपको हर मंथ पे डालनी है, तो इसलिए लॉक हो जाएगी। आप हर मंथ की फर्स्ट को डाल दें कि आप पिछले मंथ का, तो उसके लिए मंथ सेलेक्ट करें। ये सारी भरने के बाद चेक बैक बॉक्स को क्लिक करके इसको सबमिट कर दें। तो इस तरह से DDO डिक्लेरेशन है जो आपकी हर मंथ की अपलोड होती रहेगी, और आपको हर मंथ में ये अपलोड करना बहुत जरूरी है ताकि MIS पोर्टल पे जो भी स्टूडेंट और स्टाफ का डाटा है उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी है जो DDO की होती है। तो इसलिए DDO हर मंथ इसको वेरीफाई करता है।